प्रशांत, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अब मैं मनु भाकर के घर के बाहर नहीं, मनु भाकर की माताजी के साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको और मनु के कमरे में मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको हिंदुस्तान की तरफ से, न्यूज 18 इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे अपनी बेटी की जीत पर? मनु की जीत के ऊपर सब देशवासियों के प्यार को देखते हुए मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मनु को मैं बहुत प्यार करना चाहती हूँ क्योंकि मनु मेरे हाथ के बने खाने को बहुत याद कर रही है वहाँ पे, तो मैं चाहूंगी कि वो अच्छे से आए घर पे और आते ही मेरे हाथ का मैं बना के उसको खिलाऊं। एक माँ का दिल मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर हम, क्योंकि बार बार टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, आपने खुद ये बात कही थी कि जब वो आई तो वो इतनी ज्यादा निराश थी कि आपने उसकी पिस्टल छिपा दी थी, इसमें कितनी सच्चाई है और वो क्या कहानी? छिपाई थी, मैं एक जगह बना रखी है, जब वो शूटिंग को लेके उदास होती है तब मैं उसकी पिस्टल को उसको बिना बताए छिपा देती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ा सा उससे दूर रहे, थोड़ा सा मेंटली तैयार हो, फिर उसके बाद में उसे जुड़े। लेकिन मनु के अंदर एक शूटिंग का, अपनी पिस्टल का इतना नशा है कि उसके बिना वो जी नहीं सकती, उसके बिना वो रह नहीं सकती। क्योंकि उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि अब मैं नहीं खेलूंगी मम्मा, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे ना जसपाल सर का साथ नहीं था, जसपाल सर का साथ छूटने के बाद में हमें कोई जसपाल सर के जैसा कोच मिला नहीं, तो वो इसलिए बहुत ज्यादा अंदर से टूट गई थी। और हम देखो, जब बच्चे की इम्तिहान की घड़ी होती है, बच्चे की इम्तिहान की घड़ी होती है, तब बच्चा के साथ साथ परिवार भी बहुत टूटता है। तो हम चारों एक दूसरे के साथ में इतने एक जोश के साथ खड़े रहे, एक दूसरे को संभाले रहे हैं कि कोई भी मतलब हिम्मत ना हारे। बस ये देखो, बोलते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये भी एक लाइफ का हिस्सा होता है। जब तक ठोकर ना लगे तो हमें संभलना नहीं आता है, ठोकर लगती है तो हम अच्छा सा देख के संभल के चलते हैं। तो वो समय आया मनु के लिए, मनु को बड़ा स्ट्रोंग बनाया उस समय ने, तो बहुत अच्छी बात है। आज लेकिन के दिन आप तो चाहती थी कि मनु डॉक्टर बने, मैंने कहीं पढ़ा था। मैं चाहती थी कि मनु डॉक्टर बने क्योंकि ना मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है और मुझे डॉक्टर के पास जाने में बड़ा डर लगता है। अब तो मेरा यही है कि मेरे घर में बेटी डॉक्टर नहीं बनी, बट बहू के रूप में एक बेटी मेरे घर आ जाए, बस अब तो भगवान से यही मेरी प्रार्थना है। तो अभी फिर डॉक्टर का सपना था मेरा, क्योंकि मनु ने जो ताइक्वांडो, जूडो, कराटा, तांग था, जो भी खेला वो सब छोड़ दिया था क्योंकि इन गेम में ना बहुत चीटिंग होती थी। तो मनु को कुछ ऐसा मिला नहीं था कि जिससे वो अपने जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाए। तो फिर मनु ने, पापा मैं क्या ही करूँ, पापा मैं क्या ही करूँ, मेरे पास उसको ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ पापा, ऐसा कुछ मैं जिसमें मैं मन से जुड़ूँ, कहीं पे भी कोई चीटिंग ना हो। तो फिर इनके पापा ने कहा, बेटा स्कूल के अंदर रेंज थी, तो ये बेटा एक बार वो रेंज एक बार ट्राई कर लो। तो स्कूल में शूटिंग रेंज में जहाँ पे मनु पढ़ती थी, यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरिया झज्जर में, उसी स्कूल में शूटिंग रेंज थी, वहाँ लेके गए। तो वहाँ के जो कोच थे, मनु के जो शुरू के कोच थे, अनिल जाखड़ सर, झाड़ली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बताया कि जब मनु ने पहला शॉट किया तो अच्छा गया, तो सर बोले कि अच्छा करेगी मनु। आप मन का सर, मैं थोड़े से टाइम के लिए मनु को आपको देती हूँ क्योंकि मैं जयपुर में, वहाँ कोटा में, 14 साल कोटा में जाके मैं मनु के लिए इंस्टीट्यूट देख के आई थी, एलन का। फिर मैं जगह भी देख के आई थी कि मनु ये रूम रहेगा, यहाँ पे तुम बैठ के पढ़ोगी, मैं कभी आऊंगी तुमसे मिले तो तुम मुझे ऐसी से बाहर देखोगी, हमारी कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही थी वहाँ पे। फिर सर ने कहा, अनिल जाखड़ सर ने बताया मुझे कि मैम मनु ने पहला शॉट अच्छा लगाया है। और फिर 15 दिन बाद में कोई स्टेट था महेंद्रगढ़ में, वहाँ से मनु ने फर्स्ट प्राइज लिया, गोल्ड मेडल लिया। और मनु को जो अमाउंट वहाँ पे मिली थी, आते ही मनु ने मेरे हाथ में रखी कि मम्मी मेरी पहली मेहनत की कमाई। तो मैं वो पैसे को बड़ा संजो के रखा मैंने। फिर मनु ने बोला कि मम्मी खर्च करो, इनको ऐसे रखने के लिए नहीं दिए मैंने आपसे। तो बड़ी खुशी मिली कि मेरी बेटी छोटी छोटी चीज़ें ला के, मुझे जब से पैदा है तब से मुझे कुछ ना कुछ दिए जा रही है। मैं बड़ी खुश नसीब माँ हूँ कि जो मेरे गर्भ में मेरी बेटी ने जन्म लिया, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। उसके बाद उनके जो अनिल जाखड़ सर थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैम थोड़ा सा समय दे दो, देखना फिर डॉक्टर को तो एक सीमित तक ही जानेंगे, जब मेडल आएगा तो पूरी दुनिया में वो छा जाएगी। मैंने चलो सर ठीक है, आपको दे दिया पूरा एक साल, आप रखो मनु को। तो मनु ने हर मतलब जहाँ गई मेडल की बौछार कर दी, मेरे घर में इतने मेडल मनु ने एक मेरे घर को सोने से भर दिया। पीछे अर्जुन अवार्ड और ये बात सच है कि मनु जहाँ गई वो वहाँ अवार्ड। अच्छा मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने देखा इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से खेलो इंडिया के तहत जो है वो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते रहे हैं। इतना ही नहीं, जब पेरिस ओलंपिक से पहले उन्होंने तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। क्या आप सरकार, केंद्र सरकार, पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगी? मैं देखो, वो धन्यवाद तो देंगे ही, जब बच्चे का उन्होंने इतना मनोबल बढ़ाया है। मनु को तो ये कहा था कि एक बार चक दे फट्टे बेटा, बिल्कुल ऐसे फाड़ देना, झंडा तिरंगा लहरा देना। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने मनु को बोला था वहाँ पे, तो मनु ने आते मुझे बताया था कि मम्मी, मन का बेटा नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा आपको? तो बोले कि मम्मी मुझे ये कहा कि तुम ये कर देना अब की बार बस।
तो बड़ी हिम्मत आई और पिछले टोक्यो ओलंपिक से पहले मनु बहुत चाहती थी कि मैं एक बार नरेंद्र मोदी जी से बात करूं, लेकिन वो बात तो हो नहीं पाई थी। तो मनु बड़ी अंदर से टूट गई थी कि मेरी हमारे सीएम से बात नहीं हो, मतलब पीएम से मेरी बात नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर समय बेटा आता जाएगा, बात होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे बढ़ो करके। हाँ जी, तो देखिए हमें भी मिठाई का इंतजार रहेगा क्योंकि बहुत मीडिया यहाँ पर मौजूद है। उनके पिता से भी हम बात करेंगे, मनु भाकर के पिता से, क्योंकि देखिए ये वो क्षण है जिसका इंतजार जो है दिन और रात 24 घंटे से जो है किया जा रहा था कि आखिर कब मनु भाकर जो है वो देश के लिए वो मेडल लेकर आए। क्योंकि उनके पिता से भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन देखिए आपने देखा किस तरीके से जो है माता पिता के चेहरे पर खुशी। मैं एक बार ये तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है मनु भाकर को जो लेटर दिया गया था 13 मार्च 2024 का ये लेटर है, जिसमें उन्होंने जो है इस बात का जिक्र किया है कि आने वाले पेरिस ओलंपिक में जो है उनको हम ये शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो है किस तरीके से देश का नाम रोशन करेंगी। तमाम अवार्ड्स जो है वो आपको यहां पर नजर आएंगे। इतना ही नहीं, ये देखिए ओलंपिक का जो है आपको अवार्ड नजर आएगा कि यहां पर मनु भाकर के नाम का, ये टोक्यो ओलंपिक्स में, जिसको लेकर उनके चेहरे पर मायूसी जरूर थी, लेकिन बावजूद इसके पूरे देश को उम्मीद थी कि अगला जो भी ओलंपिक होगा उसमें जाहिर सी बात है ये होने वाला है कि हां इस बार तो मनु भाकर हमारे लिए जरूर। और देखिए मैं आपको जहां तक तस्वीर दिखा पाऊंगी उस वक्त तक जो है वहां पर आपको मनु भाकर के तमाम अवार्ड्स जो है नजर आ जाएंगे। उनके पिता से भी हम कुछ ही देर में बात करेंगे क्योंकि पिता जिस तरीके से चाहते थे कि मनु जो है वो बॉक्सर बने, लेकिन मनु जो है शूटिंग में गई। हालांकि बॉक्सर के लिए उन्होंने जरूर जो है ट्राई किया था, लेकिन कहा जाता है कि उनकी आंख में जो है चोट लग गई, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा कोई खेल नहीं होगा, तीरंदाजी से लेकर तमाम जो है खेल उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उनको वो पसंद नहीं आया। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। देखिए यहां पर जो है मनु भाकर के आपको तमाम अवार्ड जो है वो नजर आएंगे। बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन का मनु भाकर का ये अवार्ड यहां पर आपको नजर आएगा। अर्जुन अवार्ड जो जिससे नवाजा गया था मनु भाकर को, वो यहां पर आपको नजर आएगा। तो इस तरीके के तमाम अवार्ड जो है वो यहां पर मनु भाकर के घर पर मौजूद है। माता पिता के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सालों की मेहनत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने बात की। उन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके की खुशी है, क्योंकि हमने साल भर जो है हमें मनु भाकर इस बात का विश्वास था। जी प्रशांत, और ये बड़ी बात है 12 साल बाद शूटिंग में इस तरह से ओलंपिक्स में भारत को मेडल मनु भाकर ने दिखलाया है। 2012 में आखिरी शूटिंग का मेडल भारत के लिए आया था और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में सिल्वर जीता था। ये पांचवा मेडल है शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक्स में आता हुआ। मनु भाकर ने सही निशाना लगाया। अनुपमा, बिल्कुल। और देखिए मनु भाकर के पिता अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। माता की खुशी तो आपने देख ली, मनु भाकर के पिता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने हिंदुस्तान को एक ऐसी बेटी दी है जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का नाम रोशन कर दिया, क्या कहें? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं बहुत खुश हूँ। और बेटी तो एक बार नेशनल खेलने लग जाए, उसके ऊपर खेलने जाए तो देश की बेटी हो जाती है। मेरी बेटी नहीं होती है, देश की बेटी है। और वो जुझारू है, बहुत अच्छा करती है, बहुत कोशिश करती है, अपने गेम को परफेक्ट करने की कोशिश करती है। तो मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे फोन आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से फोन आ रहे हैं, जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से लगातार फोन आ रहे हैं। सर क्योंकि माता तो चाहती थी कि डॉक्टर बने, आप चाहते थे कि मनु भाकर बॉक्सर बने, लेकिन इन सबके बीच में शूटिंग कहाँ से आ गया? शूटिंग शूटिंग तो बहुत पहले से चल रहा है, 10th क्लास में थी तब से आ रहा है शूटिंग। तो शूटिंग तो 10th क्लास में थी तब से चल रहा है। तो अभी तो उसको लगभग 7 साल हो गए। तो ये ट्रांसपेरेंट गेम है इसलिए इसमें आ गई हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा विश्वास जो आपके उनकी माताजी ने भी बताया, उन्होंने कहा कि चक दे फट्टे मनु भाकर इस बार, और मुझे लग रहा है कि विदेश की धरती पर चक दे फट्टे कर दिया मनु भाकर ने इस बार। जी जी जी, मोदी जी का सबसे बढ़िया बात क्या है कि वो बच्चों को ना प्रधानमंत्री बहुत सारी कंट्रियों में, इधर खड़े की बात करते हैं, आपके साथ और भी लोग हैं। हाँ जी बताइए। हाँ 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 जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो खिलाड़ियों को ना, इवन साइंटिस्ट को देखो, इनको देखो, वो पर्सनली इनकरेज करते हैं। और वो जो वर्ड्स होते हैं जब वो बोलते हैं, जैसे मनु अभी प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था खिलाड़ियों को, तब बोला था, जैसे अभी इसकी मम्मी ने बताया आपको, तो जैसे मोदी जी बोलते हैं और वो उनको मोटिवेट करते हैं ना, वो एक टॉनिक का काम करते हैं, टॉनिक का काम करते हैं। विदेश में बैठी हुई धरती को क्या, विदेश में बैठी हुई आपकी बेटी जो है उसको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि वो भी शायद पापा को
उतना ही मिस करेगी जितना आप कर रहे हैं? नहीं, वो ना टीवी देख रही ना फोन ऑन कर रही है, तो उसको मैसेज देने की अभी टाइम नहीं आया। हाँ। अभी उसके दो इवेंट बाकी हैं, और मैं तो यही कहूंगा कि जैसे आप लोग भी कह रहे हो कि भाई ऑल द बेस्ट आगे वाली टूर्नामेंटों के लिए। अरे सर डोंट वरी, हमें लगता है कि हमारी बेटी स्वर्ण पदक भी लेकर आएगी। आप बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो इसी सोसाइटी में, आप लोग इसी सोसाइटी में रहते हैं सर, किस तरीके से कंग्रेचुलेट करेंगे हमारी मनु भाकर को? हम 15 अगस्त को जो प्रोग्राम करेंगे उसमें उनका शानदार स्वागत करेंगे, और हमें भारत की इस बेटी के ऊपर नाज है, हमारे सोसाइटी के इसके ऊपर नाज है। हम चाहते हैं अगले दो इवेंट्स में भी गोल्ड मेडल प्राप्त करें। क्योंकि मनु भाकर को आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस करते हुए भी देखा होगा, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, बिकॉज शूटिंग रेंज हमारे आसपास में ही है, और रूटीन में हमारे बच्चे उनसे बहुत इंस्पायर रहते हैं। हमारे सोसाइटी में जितने बच्चे हैं वो मनु भाकर को अपना एक रोल मॉडल मानते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मेडल लिया, फर्स्ट मेडल हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल के तौर पर आया है। हमारी सोसाइटी, हमारे फरीदाबाद को नाज है, हमारी बिजनेस टाइम सोसाइटी को नाज है, और हम चाहते हैं वो गोल्ड मेडल भी लेके आए। बिल्कुल गोल्ड मेडल लेकर आए सर, क्योंकि एक सवाल जो है एक यहाँ पर अधूरा रह गया था। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपको एक बार एक तस्वीर जरूर दिखा देती हूँ। एक पिता जो है अपनी बेटी की वो तस्वीर देख रहा है जिसमें तिरंगा लिए हुए मनु भाकर जो है नजर आ रही है, और मैं इसी का जिक्र करने वाली थी, क्योंकि मनु भाकर ने जो है अपने इस मेडल को जीतने के बाद ये कहा है कि मैंने अपने पिता से प्रेरणा ली है। इस पर क्या कहेंगे सर? अगर आंखें नम हो रही हैं तो मैं समझ सकती हूं। जी जी, देखिए बच्चे इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, तो वो अपने आप महसूस करते हैं, है ना। तो यदि मनु ने ऐसी बात कही है कि पापा, हर बच्चा उन्होंने गीता का भी जिक्र किया है कि गीता से मुझे प्रेरणा मिली है और मैं इतना आगे बढ़ पाई हूं। हर बाप को, बट एक्चुअली तो इनफैक्ट में तो माँ बाप तो गाइड ही कर सकते हैं बच्चे को, तो मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। इनफैक्ट में उसका शूटिंग तो हम नहीं कर सकते, हम तो उसको खाना पानी दे सकते हैं, कुछ मोटिवेट कर सकते हैं, उसको गलत चीजों से बचा सकते हैं ना। सर वो टाइम आपको याद है जब टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान जो है मनु भाकर बहुत निराश हो गई थी, किस तरीके से आपने अपनी बेटी को जो है मोटिवेट किया कि नहीं अभी आगे जो है एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है? जी देखिए, जब उसका टोक्यो में पिस्टल मालफंक्शन हुआ था, उसके बाद में उसके ये लगा था कि कहीं ना कहीं उसकी किस्मत उससे रूठ रही है। तो जब उसकी उसको ऐसा लगा था, तो उसको उसने लगा कि नहीं मुझे गेम चेंज कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए या कुछ और अल्टरनेट कुछ करना चाहिए। तो वो दौर था जो मनु के लिए काफ़ी मुश्किल था, स्पेशली मनु का, और जब मनु का मुश्किल था तो मनु की मम्मी के लिए और ज़्यादा मुश्किल था। तो उस टाइम पे हमने डिफरेंट चीज़ें अपनाई कि भाई उसको बाहर पिकनिक पे लेके गए, कुछ और किया, कुछ उससे उसको बात किया, चलो बेटा को दूसरा जो करना कर लो, ऐसे करके गया। सर क्योंकि आपने अभी तिरंगे का जिक्र किया, मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे फोन आ रहे हैं, और इसी तिरंगे की फोटो के साथ ये सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जरूर विदेश की धरती पर जा रहे हैं लेकिन तिरंगा ऊंचा रहना चाहिए, और आज मनु भाकर ने भी वही कहा है कि देखिए तिरंगा हमारा ऊंचा रहना चाहिए, हम रहे ना रहे देश रहना चाहिए। वाजपेयी जी की वो पंक्तियां हैं, हम रहे ना रहे देश रहना चाहिए, कुछ हो ना हो हमारा तिरंगा फहराना चाहिए। तो वो चीजें एक अपने आप में जज्बा भरती है, और मनु अक्सर वो लाइने दोहराती है। बिल्कुल, और देखिए यही तो है एक पिता का प्रेम जो कह रहे हैं कि हम रहे ना रहे ये देश रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे का जरूर जिक्र किया था। बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद है। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से जो है खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं, और उन्हीं में से एक हमारी बेटी मनु भाकर भी है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? बहुत इनकरेजमेंट मिला उनको मोदी साहब से, मनु को, और मनु का अपना डेडिकेशन भी काबिले तारीफ है। सबसे बड़ी बात है कि वो कभी भी एक सेलिब्रिटी की तरह हम लोगों के बीच नहीं रहती है, वो बिल्कुल एक नेक्स्ट डोर गर्ल है। वो सारे बच्चों से मिलती है, जिम में जाती है, साथ एक्सरसाइज करती है, कभी भी उसने कभी उस तरह का टेंट्रम नहीं शो किया कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एंड दैट इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ हर कि वो इतना आगे गई है। और हम लोग पड़ोसी, आप लोग मिठाई नहीं लेकर आए मनु भाकर के माता पिता? ऑर्डर कर दिया हमने, बस अभी आ ही रहे हैं, मिठाई ऑर्डर कर रहे हैं, ढोल वाले अभी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। यस यस, लड्डू ऑर्डर किए हमने, लड्डू ऑर्डर किए ढोल वालों को। तो देखिए ढोल वाले, लड्डू वाले सब कुछ जो है ऑर्डर किए जा चुके हैं पड़ोसियों की तरफ से। पड़ोसियों की जिम्मेदारी जो है अभी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि माता पिता जो है वो मीडिया के साथ बिजी है। सर थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि आप लोग ने मनु खुशी का ठिकाना नहीं है। माता पिता की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब जरा दादी की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। पैतृक गाँव है मनु भाकर का, जहाँ पर किस तरीके से मिठाई खिलाई जा रही है, खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मेडल है जिसकी उम्मीद देशवासी कर रहे थे, और भारत का खाता खुला है इस बार पेरिस ओलंपिक्स में। इस मेडल के साथ मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ये तस्वीरें आप देखिए। के लिए गर्व की बात है कि पहली बार शूटिंग में हमारे लिए ये जो मेडल आया है ब्रॉन्ज मेडल आया है। हमें आशा ये थी कि गोल्ड मेडल आएगा, परंतु फिर भी
एक अच्छी अचीवमेंट है। चलो बहुत खुशी हुई, सी मिस्ड अ लिटिल बिट, आई वाज एक्सपेक्टिंग फॉर द गोल्ड बट इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। बहुत बढ़िया वेटिंग, बहुत तारीफ करी है, वेटिंग बहुत बात करी है। Way they will play, it will be worth it. Thank you. Go India! Definitely, yeah. What do you expect? India against Netherlands in this game first, but hopefully India can go through and gold medal expecting. तो आपने परिजनों की तस्वीरें देखी, उनको सुना वो क्या कह रहे हैं, और जो फैंस हैं जो पेरिस तक पहुंचे हैं ओलंपिक्स को देखने के लिए, ये मेडल की उम्मीद हर देशवासी को थी। और जब मनु भाकर देश की बेटी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो उनके माता पिता कितने खुश हैं, क्योंकि एक ऐसा सपना मनु भाकर ने साकार किया है जो हर देशवासी का सपना तो होता ही है। अब देखिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है और मनु भाकर से अभी भी मेडल की उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि दो और ऐसी प्रतिस्पर्धाएं हैं जिसमें मनु भाकर मेडल जीत सकती हैं। ऐसे में उन्होंने रजत पदक जीता है, उनसे मेडल की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि कल पेरिस ओलंपिक्स का पहला दिन था, थोड़ी निराशा हाथ लगी थी, लेकिन आज हमने देखा किस तरीके से मनु भाकर ने शानदार खेल दिखाया और रजत पदक अपने नाम किया। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है, और जब मनु भाकर के माता पिता से बात की गई उन्होंने कहा कि कैसे पीएम मोदी ने हौसला अफजाई की। और पेरिस ओलंपिक्स से अच्छी खबर यह भी है कि पीवी सिंधु ने भी अपना पहला मुकाबला जीता है। ऐसे बहुत सारे मेडल्स की उम्मीदें हैं, और ये तस्वीरें जश्न की हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरा परिवार एक सपना देखता है। ये दिन रात की मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, कड़ी प्रैक्टिस होती है, और ये परिवार जानता है कि किन किन चुनौतियों का सामना करके आज बेटी इस मुकाम तक पहुंची है। अनुपमा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपमा, आप माता पिता से बात कर रहे थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, संघर्षों की उन्होंने बात की, और जो आज जीत हासिल की है उसकी बात की। कैसे वो खुशी मनाएंगे जब उनकी बेटी देश वापस लौटेगी, तो कैसे उसका वेलकम करेंगे? बिल्कुल, देखिए माता पिता तो वेलकम करेंगे ही करेंगे जसप्रीत, लेकिन पूरा देश जो है स्वागत करेगा। लेकिन सोसाइटी के लोग मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लग चुका है, और आप समझ सकती हैं कि जब मीडिया का जमावड़ा लग जाए तो एक बार बात करने के बाद दूसरी बार बहुत मुश्किल होता है बात करना। लेकिन सोसाइटी के लोग मौजूद है, मैं उनसे एक बार पूछ लेती हूँ, आप लोग मनु भाकर का कैसे स्वागत करेंगे? बिल्कुल अनुपमा, जब तक आप बात करते रहिए। देखिए ये जश्न है जो पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।